आपको गिफ्ट्स तो बहुत मिले होंगे और आपने भी दूसरों को दिया होगा, लेकिन कभी कभी ये मन में ख्याल आ जाता है कि काश मुझे कोई लेटेस्ट स्मार्ट टीवी दे दे, या फिर एक ब्रांड न्यू कार दे दे, या फिर लेटेस्ट आईफोन ही क्यों ना दे दे, कितना अच्छा होता नहीं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस इंसानी गिफ्ट्स की जो वैल्यू है वो वक्त के साथ कितनी कम हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वैल्यूएबल गिफ्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी और घटेगी बिल्कुल भी नहीं, और ये गिफ्ट्स आपके बिलव्ड वंस के लिए परफेक्ट गिफ्ट होने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार हम सबके साथ ये हो जाता है जहाँ पे अगर कोई एक स्पेशल ओकेशन हो या फिर किसी का बर्थडे हो या फिर कोई भी स्पेशल इवेंट हो या ओकेशन हो, हमें ये कंफ्यूजन बड़ी ही सताती है कि यार दूसरों को, दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ऐसे ओकेशंस पर या ऐसे इवेंट्स पर क्या गिफ्ट दिया जाए। और इस चक्कर में हम सब ये गलती कर बैठते हैं जहाँ पर हम एक ऐसा एक्सपेंसिव गिफ्ट ले लेते हैं जो दिखने में तो बहुत ही सुंदर है लेकिन इसकी वैल्यू आने वाले वक्त में कम होती जाती है। वैसे हाल ही में मेरे किसी एक दोस्त को उसके बॉस ने एक स्मार्ट टीवी गिफ्ट किया और तभी मुझे ये आइडिया आया और मैं ये सोचने लगी कि यार इस टीवी की वैल्यू आगे फ्यूचर में क्या ही होगी। और उसी की तरह आज बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं आई एम श्योर जो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे गिफ्ट देना चाहते हैं, उनके उनके परफॉर्मेंस के ऊपर उन्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। और इसी तरह अगर आप भी आज एक एम्प्लॉयर हैं और आज अगर आपको किसी और को गिफ्ट देना है, अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट देना है बिकॉज उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करें और उन्हें एक ऐसा सामान ना दें जो एक्सपेंसिव तो है पर फ्यूचर में इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो आज अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, अगर आप एम्प्लॉयर नहीं भी हैं, आज अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को या फिर अपने कलीग्स को एक अच्छा अच्छा सामान देना चाहते हैं, अच्छा अच्छा गिफ्ट्स देना चाहते हैं और पर आप एक कंफ्यूज हैं कि अरे यार मैं क्या गिफ्ट दूँ, कौन सा ऐसा अच्छा गिफ्ट होगा, मेमोरेबल गिफ्ट होगा उनके लिए, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो डोंट वरी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको 5 ऐसे वैल्यूएबल गिफ्ट्स बता देती हूँ जो आप अपने लव्ड वंस को डेफिनेटली दे सकते हैं और आपको भी ये खुशी होगी ये गिफ्ट देने में और उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा इन फ्यूचर। तो सबसे पहला अच्छा गिफ्ट जो है वो है शेयर्स। अभी हाल ही में क्रिसमस गया है, न्यू ईयर गया है और आने वाले महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहेंगे और आपको ये मौका मिलते रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, कलीग्स को अच्छे अच्छे गिफ्ट दें। तो शेयर्स एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो सकता है जहां पर आप एक शेयर खरीद कर उन्हें उनके नाम पे कर दें और इसकी जो वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते ही रहेगी। एंड ट्रस्ट मी, शेयर्स एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है दूसरों को देने के लिए क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी और को शेयर्स गिफ्ट करना है उससे पहले आपको मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप खुद अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें, उसे बढ़ाएं ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि कौन से कंपनीज का शेयर्स या फिर स्टॉक्स आपको खरीदना चाहिए और जिसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, कंपनीज के शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इसीलिए ये रेकमेंड करूंगी कि आप पहले खुद की रिसर्च कर लें, खुद का स्टडी कर लें किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी के नाम पर FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा लें। अब मान लेते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अपना पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाना है, मे बी आपको लगता होगा कि एक स्कैम है या मे बी आपके पास एक मिसकंसेप्शन ऑलरेडी आपके माइंड में सेट होगा कि आपको अपना पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाना है, मे बी इट इज़ वेरी रिस्की या जो भी होगा आपका रीजन, आपको उसमें अपना पैसा नहीं लगाना है। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि फिक्स डिपॉजिट हम सबका फेवरेट है, बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में एक या दो FD कराए ही होंगे, मे बी आपके पेरेंट्स कराए होंगे या फिर आप खुद कराए होंगे या फिर आपके कलीग्स या फिर फ्रेंड्स नहीं कराए होंगे। तो आई एम श्योर आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने एक या दो या उससे ज़्यादा भी FD कराई होगी। तो FD कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप दूसरों को गिफ्ट दे सकते हैं।
वैसे आपको याद होगा जब हम छोटे थे, मे बी आपने एक्सपीरियंस ये किया होगा, जब हम अपने नानी के यहाँ जाते थे, दादी के यहाँ जाते थे, तो हमें विदाई मिलती थी। जी हाँ, हमें उनके तरफ से एक ऐसा अमाउंट मिलता था एज आर पॉकेट मनी, जो हम अपने खाने पीने में, चॉकलेट्स खरीदने में कहीं भी स्पेंड कर सकते थे। उसी की तरह जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर आप किसी और को विदाई दे रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है, तो उन्हें ये एडुकेट कीजिए कि जो भी पैसे वो दे रहे हैं, या फिर आप खुद उसका FD करा लें, या फिर उन्हें कह दीजिए कि वो आपका FD करा दे, या फिर अगर आप किसी और को पैसे दे रहे हैं तो आप खुद उनके लिए FD खोल दें। तो FD इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, और ये गुड ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप पैसे लगा रहे हैं और ये रिस्क फ्री भी है, यानी कि आपको ये अश्योरिटी है कि जिसको भी ये गिफ्ट आप दे रहे हैं, वैल्यूएबल गिफ्ट जो आप दे रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल सेफ है, साथ ही इस पर उन्हें इंटरेस्ट भी कमाने का मौका मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, शेयर में थोड़ा अनसर्टिनिटी है कि क्या आपका ये पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। डेफिनेटली बढ़ेगा अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करें, इन्वेस्टमेंट करें, और साथ ही अच्छे कंपनी का स्टॉक्स खरीदें। पर सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो प्रिंसिपल है, वो 100% सेफ है, सिक्योर है। तो इसलिए अगर आप ऐसे इंसान हैं जो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे के लिए, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप दूसरों के लिए FD बुक कर उन्हें ये बहुत सुंदर सा तोहफा दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, आपको FD में इसलिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो इसी के साथ ऐसा गिफ्ट जहां पर आपका प्रिंसिपल सेफ है, साथ ही इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, तो हुई ना ये बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला गिफ्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, वैसे हाल ही में मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी और वहाँ मैंने देखा कि मेरी जो भतीजी है उसे बहुत सारे सोने के गिफ्ट्स मिल रहे थे, इयररिंग्स, कंगन, जो भी हो। तो यहाँ पर बोलना ये चाहती हूँ कि हम जो इंडियंस हैं, हमें सोने से बहुत ही लगाव है, और अक्सर हम यही सोचते हैं कि जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ गिफ्ट दें तो बहुत ही वैल्यूएबल हो, और गोल्ड हमारा फेवरेट है, और हम ऐसे स्पेशल ओकेशन पे दूसरों को गोल्ड ही गिफ्ट करते हैं, चाहे वो शादी हो जाए, बर्थडे हो जाए, या जो भी हो जाए, तो हम गोल्ड एज गिफ्ट देते ही हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि फिजिकल गोल्ड जो है वो देने के बजाय आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ही दे सकते हैं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर लेस रिस्की व्हेन कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। क्योंकि अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे ये इस सोने का घूम जाना या फिर चोरी हो जाना, इसका बहुत ही डर लगा रहता है। और साथ ही अगर आप आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, और ना ही ये सोचना पड़ेगा कि इस प्योरिटी, जो गोल्ड का प्योरिटी है वो कितना होगा, एक्सेट्रा। तो इन सारे चक्कर से आप दूर रहेंगे, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेस रिस्की भी है, और साथ ही ये एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे आपका जो पैसा है वो गारंटीड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आज आप अपने बिलव्ड लोगों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स के लिए गोल्ड ना खरीद कर इंस्टेड आप डिजिटल गोल्ड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। और इतना ही नहीं, अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आज खरीदते हैं तो इस पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है, और वहीं अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो इस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी इनकम आप इस पर कमा रहे हैं अगर बेचने के बाद, तो इस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको टैक्स डिडक्शन या टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब आता है अगला गिफ्ट जो है टर्म इंश्योरेंस का। जी हाँ, आज में भी आपको लगता होगा कि ये जो इंश्योरेंस है इसमें इन्वेस्ट ना करना बेहतर है, क्योंकि आज तो मैं फिट एंड फाइन हूँ और मुझे किसी भी तरह के इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा रिवाइंड करके सोचिए, क्या पैंडेमिक के टाइम पर भी आपका ख्याल यही था? क्या तब के समय आपको ये नहीं लगा कि मेरी जान आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी फैमिली की फिनेंशियल सिक्योरिटी आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? था कि नहीं? तब के समय में हमको यही लगता था कि हम सेफ रहें, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं, खानदान वाले जो हैं, वो सेफ रहें, और हमको किसी भी तरह की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना हो, अगर आज हमारी जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म ना हो। इसी के साथ आप अपने परिवार वालों को ये गिफ्ट दे सकते हैं कि आप अपने लिए या फिर अपने खानदान वालों के लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ हो जाए, बट एटलीस्ट आपकी फैमिली तो सेफ रहेगी, उन्हें कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, कोई जो सेविंग्स हैं उनकी वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसीलिए ये गिफ्ट भी बहुत ही वैल्यूबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने फैमिली मेंबर्स को, साथ ही अपने फ्रेंड्स को फ्रीडम ऐप का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फ्रीडम ऐप
इंडिया का, पूरे भारत का एक लौता ऐसा लाइवलीहुड एजुकेशन ऐप है जो आपको और साथ ही आपके फैमिली वालों को, आपके खानदान को फाइनेंशियल एजुकेशन तो देता ही है, साथ ही उन्हें एम्पावर भी करता है। फ्रीडम ऐप आपको इतनी ज्यादा नॉलेज देता है जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली लिटरेट करेगा, और साथ ही आप ये सीखेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को इन फ्यूचर डबल कर सकते हैं, कैसे आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी प्रकार की कृषि कर सकते हैं और उससे अपना जो इनकम है वो डबल कर सकते हैं। आज आई एम श्योर आपके खानदान में एक या दो ऐसे इंसान होंगे जो कृषि कर रहे होंगे, अगर कृषि नहीं तो आई एम श्योर कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, अगर वो भी नहीं तो आई एम श्योर कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। अगर वो ये तीनों नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप उन्हें फ्रीडम ऐप का सब्सक्रिप्शन दें और उन्हें एडुकेट करें, फाइनेंशियली एडुकेट करें और उन्हें एम्पावर करें, क्योंकि फ्रीडम ऐप आपको बहुत सारा नॉलेज देता है व्हेन इट कम्स टू मनी। अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो फ्रीडम ऐप आपको ये सिखाता है कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे उसे स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, कैसे बोरो कर सकते हैं, कैसे डबल कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो जो भी है मनी मैटर्स आपको सब वो बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये 5 वैल्यूबल गिफ्ट्स आपको दूसरों को देने में बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि ये शेयर्स क्या होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, FD जो आप अभी तक तो कराए होंगे लेकिन FD में क्या, कौन से प्रकार के FD कराने चाहिए, उतने सारे माइन्यूट डिटेल्स आपको नहीं पता है, तो हम आपको इतने सारे नॉलेज फ्रीडम ऐप पर देते हैं। तो फटाक से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, पूरी नॉलेज पाइए और फिर दूसरों को अपना वैल्यूबल गिफ्ट दें। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि कैसे फ्रीडम ऐप उनकी जिंदगी बदल सकती है। तो फटाक से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।